make the best use of the session, I suggest you do two things. Number one, go through my theory session on legal reasoning. The link to the session is given on the description below. Second, create a free sign-up account on our website and solve the exercise on your own before you go through the video. The process for the free sign-up is also given on the description below. Now that you would have done both the things, let's start with the class. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। एक और पैसेज करते हैं। पैसेज ये क्लैट कंसोर्शियम ने शेयर करा था। जैसे कि मैं आपको बोलता हूँ, पैसेज पढ़ते समय जहां पे भी आपको रूल, कोई क्राइटेरिया, कोई प्रिंसिपल, यहाँ पे स्कोप डिफाइन करते हुए आता है बाउंड्रीज। जैसे दिस इज टू बी डन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, तो मतलब खाली सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकती है। एंड दिस द आरबीआई कैन रेगुलेट बैंक्स, तो आरबीआई सिर्फ बैंक्स को रेगुलेट कर सकता है। तो उन चीजों पर ध्यान दो और पढ़ते समय जैसे मैंने आपको बोला है वहां फोकस करो जहां आपको लगे कि अगर मैं केस बेस्ड क्वेश्चन बनाता तो मैं इस सेंटेंस को यूज करता। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू इन्वोक द एपिडेमिक एक्ट 1897 टू टैकल द कोरोना वायरस क्राइसिस। द डिसीजन वॉज टेकन ऑन मार्च 11, 2020 में ये डिसीजन हुआ था। द एपिडेमिक एक्ट इज मेंट टू प्रोवाइड फॉर द बेटर प्रिवेंशन ऑफ द स्प्रेड ऑफ डेंजरस एपिडेमिक डिजीजेस। ठीक है, अभी तक आपको पता है केस बेस्ड क्वेश्चन नहीं बना सकते आप, इन्फरेंस बन सकता है। द सेंट्रल गवर्नमेंट इश्यूड अ रेगुलेशन प्रोहिबिटिंग टिल, ये देखो ये बाउंड्री आ गया, टिल मार्च 31, ठीक है, द एंट्री इन टू इंडियन पोर्ट्स ऑफ इंटरनेशनल क्रूज शिप्स, क्रू और पैसेंजर्स विद अ ट्रैवल हिस्ट्री टू कोरोना वायरस हिट नेशंस। एंट्री इन टू हुआ है और किस टाइप की शिप्स हैं वो यहां पे गिवन है, तो यहां से मेरी बाउंड्री डिफाइन हो रही है। सो फोकस ऑन दिस। सेक्शन 2A ऑफ द एपिडेमिक एक्ट एम्पावर्स द सेंट्रल गवर्नमेंट, किसको? सेंट्रल गवर्नमेंट, नॉट एनी गवर्नमेंट। तो यहां से भी मैं क्वेश्चन बना सकता हूं फंसाने के लिए आपको कि स्टेट गवर्नमेंट ने ही करा, बस सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकती है। टू टेक स्टेप्स टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ एन एपिडेमिक व्हेन द सेंट्रल गवर्नमेंट इज सैटिस्फाइड दैट इंडिया और एनी पार्ट देयरऑफ इज विजिटेड बाय और थ्रेटन्ड विद एन आउटब्रेक ऑफ एन डेंजरस एपिडेमिक डिजीज। ये प्रिमाइस होना चाहिए, ये एप्रिहेंशन होना चाहिए। The central government may prescribe regulations for the inspection of any ship or vessel leaving or arriving. So, ऊपर था entry into, लेकिन यहाँ पे ये epidemic जो आपका act है, इसने थोड़ा ऊपर कर दिया है, inspection तक allowed है और कोई भी ship, any ship or vessel leaving or arriving, ठीक है, दोनों पे apply करेगा, at any port in the territories of India and for such detention thereof और ऑफ एनी पर्सन इंटेंडिंग टू सेल देयर इन। तो शिप को भी इंस्पेक्ट कर सकता है, डिटेन भी कर सकता है और लोगों को भी डिटेन कर सकते हैं। अराइविंग और लिविंग देयर बाय एज मे बी नेसेसरी इट सेज। तो इस पे ही आपके क्वेश्चन बनेंगे, आपको पता है। आगे आते हैं। द ब्रिटिश एरा एक्ट वाज मेनली यूज्ड टू कंट्रोल प्लेग इन द लेट 1800s। यू कैनॉट मेक एनी केस बेस्ड क्वेश्चन हियर, इन्फरेंस बन सकता है। इट्स प्रोविजंस बीइंग इन्वोक्ड बाय द गवर्नमेंट नाउ कॉल्स फॉर फाइन्स एंड इंप्रिजनमेंट इन केस ऑफ वायलेशन। ठीक है, तो आप पे पनिशमेंट हो सकती है। ये एक और मेरा बन रहा है केस बेस्ड क्वेश्चन। एनी पर्सन डिसोबेइंग एनी रेगुलेशन और ऑर्डर मेड अंडर दिस एक्ट शैल बी डीम्ड टू हैव कमिटेड एन ऑफेंस पनिशेबल अंडर सेक्शन 188। तो प्रिंसिपल डिफाइंड है, कोई डिसोबे करेगा तो पनिश होगा। ओके, द लॉ आल्सो प्रोटेक्ट्स ऑफिशियल्स हु अंडर द प्रोविजन ऑफ दिस लॉ, ओके, नो सूट और अदर लीगल प्रोसीडिंग शैल लाई अगेंस्ट एनी पर्सन फॉर एनीथिंग डन और इन गुड फेथ इंटेंडेड टू डन। राइट, तो अगर इसको आप फॉलो करते हुए किसी ने आपको डिटेन करा किसी ऑफिसर ने, तो उसके अगेंस्ट यू कांट टेक एन एक्शन। The Epidemic Act can be used to restrict movement of suspected coronavirus patients, काफी specific करा हुआ है इस केस में, to prevent further spread of the disease. The need to invoke the Act was felt to empower the central government to tackle the outbreak. ठीक है, so mainly मेरे को देखो यहां से मेरा case based question बन सकता है, मुझे पता है, और इस पे भी एक case based बन सकता है, कोई officer होगा, और पीछे अगर हम जाएं तो यहां से मेरा case बन सकता है question, और ये मेरी date है। ये चीज आपको नोट कर लेना चाहिए स्टार्टिंग में पढ़ते समय, इनफैक्ट पढ़ना ही ऐसा चाहिए। अब हम क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, ऑन मार्च 12, 2020 द सेंट्रल गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब अ सेट ऑफ रेगुलेशंस। मार्च 12 रेगुलेशन, सो नई इन्फॉर्मेशन है, नया रेगुलेशन। जो पैसेज में गिवन था वो तो है, ये अलग है। विच रिक्वायर्ड दैट एनी गुड्स वेसल, वहां पे उसने क्रूज, क्रू और पैसेंजर बोल के रखा था, नया आ गया गुड्स वेसल। सो मार्च 12 रेगुलेशन गुड्स वेसल पे भी अप्लाई होता है। Trying to enter an Indian port should first be subjected to a thorough inspection by the government health officials at that port. ठीक है, तो ये regulation बोलता है, और ये खाली entry की बात कर रहा है, leaving की बात नहीं है, March 12 regulation. On March 13, 20, a Russian goods vessel है तो उस पर March 12 apply करेगा।
रीच द वॉटर्स आउटसाइड विशाखापट्टनम पोर्ट एंड सॉट परमिशन डॉक एट द पोर्ट फ्रॉम द पोर्ट अथॉरिटीज. द पोर्ट अथॉरिटीज इन्फॉर्म द कैप्टन ऑफ द वोस्टॉक दैट दे हैड अ शॉर्टेज ऑफ हेल्थ ऑफिशियल्स एंड द पोर्ट एंड दैट द वोस्टॉक वुड हैव टू वेट फॉर 3 डेज बिफोर इट कुड बी इंस्पेक्टेड. ठीक है, कैप्टन Gagarin of Vostok argues that this amount to prohibiting the entry of the Vostok into an Indian port, and since the prohibition only applied to cruise ships, it was invalid. March 11 wale announcement ke hisab se theek hai, lekin ye March 12 regulation hai, isme to goods pe bhi apply karta hai. So the answer is he right? The answer is no. To ye to out ho gaya. Iske chalte nahi hua, March 12 regulation ke chalte ye isko रोक सकते हैं फॉर इंस्पेक्शन. सो आंसर इज डी. 1.1 का द आंसर इज डी. लेट्स गो टू सेकंड क्वेश्चन. ऑन मार्च 1620 अ टीम ऑफ हेल्थ ऑफिशियल्स फ्रॉम द विशाखापट्टनम पोर्ट बोर्डेड द वोस्टॉक एंड कैरिड आउट द इंस्पेक्शन. द हेल्थ ऑफिशियल्स डिसाइडेड टू परमिट द एंट्री ऑफ द वोस्टॉक इनटू विशाखापट्टनम पोर्ट बट ऑर्डर्ड द कैप्टन दिस अकंपनी देम ऑन द वेसल सो दैट ही कुड बी पुट इनटू आइसोलेशन वार्ड ऑफ द लोकल हॉस्पिटल as he had tested positive for the coronavirus. Coronavirus ke liye tested positive ho gaya. Can they issue such an order? Yahan pe dekho given hai. So yes, the order is yes. So ye to out ho gaya. It is important. Ye bahut hi global answer ho gaya, general answer ho gaya. This is the correct answer. Epidemic Act ne bol rakha hai. Theek hai, agle pe aate hain. On March 23, 2020, the Vostok finished unloading all its goods and sought permission from the Visakhapatnam port authorities to leave the port's water. ये जो वोस्टॉक है ये गुड्स वेसल है, इस पे मार्च 12 रेगुलेशन अप्लाई करता है. फर्स्ट ऑफिशियल ट्रेशकोवा ऑफ द वोस्टॉक हैड टेकन द डिसीजन टू लीव द पोर्ट इवन द कैप्टन Gagarin वाज इन आइसोलेशन. द विशाखापट्टनम पोर्ट अथॉरिटी रिफ्यूज्ड द वोस्टॉक परमिशन टू लीव. डिड दे हैव द अथॉरिटी टू डू सो? सो गुड्स वेसल पे मार्च 12 रेगुलेशन लगता है. मार्च 12 रेगुलेशन जो है आपका वो ट्राइंग टू एंटर पे लगता है, एग्जिट पे नहीं लगता है, लीविंग पे नहीं लगता है. तो द बेस्ट आंसर इन दिस केस इज सी. When Captain Gagarin heard about the Vostok's departure from Visakhapatnam port, उसको कोरोना वायरस हो चुका है, कोविड टेस्टेड है पॉजिटिव, he got very angry. That night he secretly escaped from the hospital. The next morning, however, the police and hospital officials tracked him down and filed charges under section 188 of the IPC against him. Had Captain Gagarin committed an offence under section 188 of the IPC? Yes, उसने बोल के रखा है यहाँ पे पैसेज में any person disobeying, तो वो ऑफेंस करा है. सो द आंसर इज यस. और ये अप्लाई टू हिम पर्सनली नहीं है, किसी भी अप्लाई करेगा, जो भी इसके अंदर आइसोलेट हुआ है, जो डिसोबे करता है, हर किसी पे अप्लाई करता है वो. ठीक है, ओके. द क्रूज शिप स्पटनिक स्वीट, क्रूज शिप है तो इस पर कौन सा अप्लाई करेगा? आपका जो पहला वाला था, ठीक है, was scheduled to arrive at Visakhapatnam port on this. On April 1, 2020, Captain Gagarin was discharged from the hospital where he had been kept. As a humanitarian gesture, the authorities dropped all charges against him as well. He therefore decided to buy a ticket to board this. This is cruise ship, as it was destined eventually for his home port of Vladivostok. Okay. The Visakhapatnam port authorities, however, decided not to permit to enter the port as he had just arrived from China, a coronavirus affected country. Captain Gagarin claimed that they did not have the authority to do so. Was he right? Cruise ship hai, March 11 wala lagta hai, but humko passage mein given hai till March 31, 2020, aur ye kab hua hai? April 2. So, us boundary ke andar nahi aata hai, date ke andar, therefore the answer is no. Aur was he right? Yes, he is right. So, wo to right hai. And this is the reason. Right? So this is the correct answer. Now, please, I'm going to say. Okay. Yeah. So guys, CLAT nikalne ke liye, jaise main baar baar bolta hu, aapko bahut zara practice karne ki zarurat hai. Aapko reading habit improve karni hai. Aur mocks to bahut sare dene hai aapko. But mocks achhi quality ke dene chahiye. Maine har baar batata hu, maine itne tests dekhe hain jo market mein hain, bade bade brands ke bhi. But tests achhe nahi hai. They are not logically consistent. और कई बार आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हो बिकॉज आपको पता ही नहीं आप कहाँ पे गलत कर रहे हो. हम लोगों ने टेस्ट सीरीज काफी मेहनत से बनाई है, हमारा एक एक क्वेश्चन पे काफी इन्वेस्ट करा है हम लोगों ने टाइम. सो प्लीज इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सीरियस अबाउट क्रैट एग्जामिनेशन, प्रिपेयर विथ अस सो फार एज मॉक टेस्ट सीरीज इज कंसर्न. देयरफॉर वी से कि कोचिंग कहीं से भी लो, लेकिन टेस्ट सीरीज फ्रॉम मेंटर्स कैपिटल. हमने डिस्क्रिप्शन दे रखा है, यू कैन लॉग इन टू आवर पोर्टल, उसमें एक मॉक टेस्ट हमारा फ्री है आपके सैंपल के लिए, आप वो टेस्ट दीजिए. आई एम श्योर यू लव द टेस्ट.
and then you will take more of tests with us. But if you're serious for your CLAT preparation, do prepare with us, especially with the test series. Test series pe aapke choice nahi hai, coaching kahin se bhi, test series mentors capital ki. Thank you. See you in my next session. Bye.